किसान मित्रों, आज हम आप लोगों के लिए एक धाकड़ वीडियो लेके आए हैं। देखो क्या लाजवाब सेम है। सेम की खेती, वो भी मार्च महीने में। आज लगभग 18 मार्च का ये वीडियो है। 18 मार्च को हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं। अभी देखो फल से एकदम भरा हुआ। ये हमारा अक्टूबर लास्ट से निकल रहा है, अभी भी देखो निकल रहा है। ये देखो क्या लाजवाब है। भी इतना फल, इतना फ्लावर फ्रूटिंग एकदम सब देखो कुछ तैयार हो रहे हैं। ये हैं पत्ते, पीले हो गए हैं ठंड की वजह से, पाले का असर था। उसके बाद भी ये लड़के पाले से, उसके बाद भी ये देखो कितना अच्छा हुआ है। आइए बाकी विस्तार से बताते हैं। किसान मित्रों नमस्कार, मैं दिग्विजय कुमार पटेल, अपने YouTube चैनल दिग्विजय पटेल 9635 में आप सभी किसान मित्रों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक धाकड़ वीडियो लेके आया हूँ। देसी सेम की खेती में लागत जीरो बजट में है और लाजवाब खेती है। और इसकी बुआई की बात कर लेते हैं किसान मित्रों। इसकी बुआई हमने अगस्त महीने में किया था, लगभग 20 अगस्त तक हमने इसकी बुआई किया था, 15 से 20 अगस्त। और हमारा इसमें फ्लावर फ्रूटिंग का स्टेज लगभग इस ये हार्वेस्टिंग के लिए हमारा अक्टूबर में तैयार हो गया था, लास्ट अक्टूबर तक, 25 अक्टूबर तक लगभग तैयार हो गया था। और हमारा ये लगभग जनवरी तक निकला है। जनवरी में हमारा टेम्परेचर जब डाउन हो गया था 2-3 डिग्री, कुछ पाले की शिकायत थी, एक महीने से लगातार कंटिन्यू ठंड पड़ रही थी। उस ठंड को झेलते हुए ये देसी सेम देखो, इसमें कहीं कहीं पत्ते एकदम पीले हो गए हैं, झड़ गए हैं। ये देखो पूरा एकदम झड़ने के बावजूद पूरा देखो पत्ते ही नहीं है कहीं के। अभी नया कल्ला ये चालू हो गया, जब गर्मी थोड़ा बढ़ गया अभी मार्च से, तो ये इसका गर्मी की वजह से फिर इसमें आ गया कल्ला, नए कल्ले भी आ गए, फ्लावर फ्रूटिंग एकदम भर गया। ये पहली बार से लगभग हमको लग रहा है कि 4 गुना फल अभी लगा हुआ है, 4 गुना। पहली बार में इतना नहीं लगा था जितना अभी लगा है। ये लगभग 4 गुना फल अभी एकदम तैयार है हार्वेस्टिंग के लिए। कोई लगभग हफ्ते भर में, एक सप्ताह में हमारा ये टूटने योग्य हो जाएगा। तो कहने का मतलब अभी हमारा ये 5 बिस्वा में है। 5 बिस्वा मतलब 1 एकड़ का 1/6 भाग है। तो बात कर लेते हैं, तो ये हमारा 1 एकड़ का 1/6 भाग है। 5 बिस्वा हम अपनी भाषा में जानते हैं, जो भी बिस्वा के हिसाब से जानते होंगे, तो ये 5 बिस्वा ही है। तो अभी भी अगर देखा जाए तो इसमें लगभग 4 से 5 कुंटल अभी हमारा माल लगभग तैयार हो जाएगा 10 से 15 दिन में। तो इसलिए इसमें बढ़िया है, ये करने लायक है। और बात कर लेते हैं इसकी लगाने की, तो ये लगाने का जो हमारा समय था आपको बताए थे पहले भी, फिर बता रहे हैं दोबारा, ये हमारा अगस्त महीने का लगा हुआ है और हार्वेस्टिंग हमारा लास्ट अक्टूबर में चालू हुआ था। और बात कर लेते हैं इसमें, जब हम लगाए थे तो हमारा इसमें परवल था। परवल हमारा फरवरी से हमारा स्टार्ट हो गया था। पिछली बार अच्छा मौसम था, तो मौसम के हिसाब से ये हमारा तैयार हो गया था। और ये अगस्त में हमने इसकी बुआई उसी में कर दिया था और परवल काट के हमारा फिर ये सेम हमारा तैयार हो गया है। सेम जब हमने बुआई किया था तो बारिश में मेड़ी पे बुआई करिए आप। जब बुआई मेड़ी पे करेंगे तो आपका, जैसे बारिश है, बारिश में पानी भर जाता है, तो अगर आप समतल ज़मीन पर करेंगे तो समतल ज़मीन पर आपका बीज सड़ जाएगा, पौधे भी अगर उगेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमारा इसका भुक्तभोगी हम उधर हो गए हैं, भैया उधर थोड़ा दिखाओ, उसमें हमारा लौकी का था, तो लौकी में हमारा जर्मिनेशन कम हुआ था। जो हमारा बेड पे था वो तो ग्रोथ मतलब पौधा स्वस्थ था, बाकी जो ज़मीन पे था हमारा बारिश हो गया था, बारिश की वजह से सड़ गया था। तो उसको हमने कटिंग करके अभी उसमें हम टमाटर लगा दिए हैं। तो इसीलिए विशेष सलाह ये है कि जब आप अगस्त महीने में, बारिश के महीने में, चूँकि अगस्त में अपने यहाँ उत्तर भारत में अच्छी खासी बारिश होती है, बारिश का समय होता है, तो बारिश के समय में आप बेड पे लगाइए, बेड बना के लगाइए, आप ऊंचा बेड बना दीजिए, पानी का आपका उसमें भराव ना हो। और कोशिश ये करिए कि खेत में पानी ना रुके तो बेटर है।
अगर बारिश हो रहा है, बारिश होने के बाद निकल जाता है तो अच्छा है, क्योंकि रुकने के बाद ये शुरू में तो सड़ जाता है, अभी तो बहुत अच्छा है, पौधे भी देखो आप एकदम फर्स्ट क्लास हो गया है। तो इसमें और हमारी एक मुख्य बात यह है और आश्चर्य की बात यह है कि हमने इसमें कोई खाद नहीं डाला है, कोई टॉनिक नहीं डाला है, कुछ नहीं डाला है। एक बार हमने इसमें सुंडी लगी थी, हमारा सुंडी में हमने लगभग दिसंबर दिसंबर में लगभग हमने एक छिड़काव किया था इसका, और इसमें 2 किलो DAP, 2 किलो यूरिया और 2 किलो पोटास शुरू में हमने सितंबर महीने में इसकी जुताई करके पेड़ी चढ़ा के वही उतना ही डोज डाला था। उसके बाद इसमें जो चारा वगैरह होता है, घास वगैरह होता है, नीचे दिखाओ भैया, देखो पूरा एकदम जो पत्तियां हैं सड़ जाती हैं, इसीलिए घास और पत्तियां जो भी सड़ जाती हैं इतना बढ़िया काम करता है कि पूछिए मत। इसका ग्रोथ अभी भी देख लीजिए ना, तो इसमें कोई टॉनिक टॉनिक तो हमने एक भी बार नहीं इसमें मारा है। सबसे बड़ी बात यह है कि बिना टॉनिक के ये हमारी देसी सेम है, टॉनिक की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, चूँकि अभी भी देख लीजिए इतना फ्लावरिंग फ्रूटिंग, मतलब विश्वास करना मुश्किल है कि इसमें टॉनिक नहीं पड़ा है और कुछ नहीं पड़ा है, DAP नहीं पड़ा है। शुरू में जो पड़ा था उसका असर ख़त्म हो गया है, लास्ट सितंबर में हमने डाला था, तो सितंबर के हिसाब से कई महीने हो गए। तो और बात कर लेते हैं फिर इसमें ये हमने करा, अब दोबारा अभी हम आज 18 मार्च है हमारा, 18 मार्च को हमने इसमें अभी थोड़ा माहू का प्रकोप लग रहा है, तो माहू का प्रकोप की वजह से हमने इसमें एडमायर और जम और कैल्शियम और बोरान, यही हम चार चीज़ का स्प्रे किए हैं। एडमायर जम से हमारा ये माहू वगैरह जो है वो नहीं लगेगा, और कैल्शियम बोरान हमने मार दिया है कि पौधे का विकास अच्छे से हो जाएगा। कैल्शियम की कमी लग रही थी, पत्ते भी पीले काफ़ी हो रहे थे अभी भी, तो इसलिए हमने इसे मार दिया है। बाकी ये हमारा 1 हफ्ते के बाद तैयार हो जाएगा। कहने का मतलब है कि 0 बजट में आपकी खेती ये तैयार हो गई है। तो सेम बीज भी लगभग आपको सस्ता पड़ता है, बहुत ज़्यादा बीज भी नहीं लगता है, और क्या कहते हैं इसमें बीज सस्ता ही है। ये जो है आपका हार्वेस्टिंग के लिए 1 हफ्ते बाद तैयार हो जाएगा। बात कर लेते हैं इसमें मुनाफे की, तो इसमें मुनाफा ही मुनाफा है किसान मित्र, चूँकि अब की बार तो बहुत अच्छा रेट था। रेट के हिसाब से आपको अगर 1 बीघा हमारा होता या 1 एकड़ होता तो लगभग 3-4 लाख रुपए तक भी हम निकाल सकते थे, फिर भी इसमें हम लगभग 50,000 के आसपास पहुंच जाएंगे। अभी लगभग 35-40 हज़ार पहुंचा है, अभी इसमें भी 5 क्विंटल तक उम्मीद है कि हमारा निकल जाएगा। तो कहने का मतलब 50,000 रुपये में आपको दाग नहीं लगना है, कोई लागत नहीं है, कुछ नहीं है, 2 छिड़काव में आपका सेम तैयार हो रहा है, और ये देसी सेम है, खाने में भी 1 नंबर स्वादिष्ट है। जो मित्र खाए होंगे उनको पता होगा कि देसी सेम की क्वालिटी क्या होती है, देसी सेम का स्वाद क्या होता है, देसी सेम के फ़ायदे क्या होते हैं। देसी सेम के बहुत फ़ायदे होते हैं, ये शुगर वालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, इसमें शुगर की मात्रा नहीं होती है, तो शुगर वाले भी इसको बड़े चाव से खाते हैं, और इसमें पौष्टिक भी, पौष्टिक आहार मतलब पौष्टिक ज़्यादा होता है, मिलता है विटामिन जिसको बोलते हैं, पौष्टिक आहार में भी इसका नाम आता है। तो कहने का मतलब ये है कि सेम की खेती आप करते हैं तो एकदम 0 बजट में आपका हो जाता है। अगर आप पहले से कोई फसल लिए हैं, आपके पास छोटा पावर टीलर है, तो फिर आपका समझिए कि और रासायनिक खाद या जैविक खाद, कोई भी खाद डालने की ज़रूरत आपको नहीं है, इसमें टॉनिक भी डालने की ज़रूरत नहीं है। जुताई कर दो फर्स्ट क्लास एकदम, और जो हम हमारा ये घास जामता है वो सब है, तो ये सब में पूरा सड़ गल के एकदम से बढ़िया से कंपोस्ट बन जाता है, मिट्टी हमारी एकदम उपजाऊ हो जाती है। इस कारण से हमारा देखिए फ्लावरिंग फ्रूटिंग एकदम लाजवाब है, पूरा देखने योग्य है। तो किसान मित्रों यही हमारा मकसद था कि देसी सेम की खेती के बारे में आप लोगों को अवगत करा दें दोबारा कि कैसा होता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें प्रॉफिट नहीं है, तो हमारे हिसाब से तो प्रॉफिट बहुत अच्छा है। बाकी आप लोग करेंगे तो आप लोग ज़रूर बताना, या जो लोग किए होंगे वो लोग बताइएगा। तो यह है देसी सेम, और क्या कहते हैं कि जो लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब किए हैं वो लोग कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी देसी सेम की खेती कैसी है। और अभी मार्च चल रहा है, लगभग आज 18 मार्च हो गया, तो 18 मार्च है हमारा ये कहने का मतलब अप्रैल, ज़्यादा से ज़्यादा 10 अप्रैल तक ही हमारा ख़त्म भी हो जाएगा। अप्रैल के बाद फिर हमारा इसमें चालू हो जाएगा। अभी बीच बीच में हमारा परवल भी है, परवल चढ़ रहा है, वो भी हो जाएगा। तो इसी के साथ किसान मित्रों विदा लेते हैं, जय जवान जय किसान।